प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड. हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए इज इक्वल टू 5 आई हैट प्लस जे हैट एंड बी इज इक्वल टू 2 आई हैट प्लस 4 जे हैट. अब सबसे पहले हम डेटा में जो है सारी गिवन इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट कर लेंगे. डेटा में हमारे पास सबसे पहले ए वेक्टर दिया हुआ है जिसकी हमारे पास वैल्यू है 5 आई हैट प्लस जे हैट और बी जो है वो हमारे पास कितना है 2 आई हैट प्लस 4 जे हैट. और इनके दरमियान का एंगल जो है जिसे मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो हमने कैलकुलेट करना है. अब इसमें स्टूडेंट्स आई हैड जो है वो हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन है और जे हैड जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन है. अब अगर हम सोल्यूशन की तरफ आए स्टूडेंट्स सोल्यूशन हमारे पास इस प्रॉब्लम का क्या होगा हम कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हम सबसे पहले एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं जिसके जरिए हम इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकेंगे. यानी कि ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया और इसके अंदर ओरिजिन को डिनोट करते हुए मैं वेक्टर्स ड्रॉ कर लेती हूँ. अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेक्टर है जिसे मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और ये मेरे पास एक और वेक्टर आ गया जिसे मैं बी से रिप्रेजेंट करती जा रही हूँ. ठीक है और इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा जो है वो मैंने कैलकुलेट करना है. अब इसको मैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हूँ स्टूडेंट्स अगर मैं ए और बी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट देखूँ तो मेरे पास ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर होता है वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. यानी कि बी का जो साया ए के ऊपर पड़ रहा है वहाँ पर किसके बराबर होता है बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है. यानी कि हमारे पास जैसा हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देखा था कि हम किस तरह से उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं तो ये हमारे पास वो कंपोनेंट है जो कि बी का कंपोनेंट जो कि ए के ऊपर आ रहा है यानी कि बी कॉस ऑफ थीटा. अच्छा अब ए डॉट बी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर होती है जिसमें ए और बी यहाँ हमारे पास वेक्टर्स हैं और ये हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड्स हैं. ठीक है और ये जो थीटा एंगल है ये हमारे पास इन दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल है. अब ये यही एंगल जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि तो इस वजह से मैं ये एंगल जो है वो आसानी से निकाल सकती हूँ. यानी कि कॉस ऑफ थीटा मेरे पास उसके बराबर होगा स्टूडेंट्स ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर होल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. यानी कि यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है. यहाँ बार्स भी आप लगा सकते हैं यानी कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो कर रही होंगी. सही. अच्छा अब अगर हम देखें इसमें इस वेल कॉज ऑफ थीटा निकालने के लिए जो हमें टर्म्स रिक्वायर्ड है उनको वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले अगर ए डॉट बी अगर मैं निकालूँ तो सब ए हमारे पास वैक्टर जो है वो किसके बराबर है 5 आई हैट प्लस जे हैट इंटू डॉट प्रोडक्ट हमने इसका किसके साथ लेना है बी के साथ जो कि हमारे पास किसके बराबर है 2 आई हैट प्लस 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 4 जे हैट. अच्छा अब इसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो मैं हर टर्म को सेकेंड वाली ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. यानी कि 2 फाइव जार हमारे पास 10 आ जाएगा इंटू आई हैट डॉट आई हैट. ठीक और फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है हमारे पास प्लस 4 फाइव जार 20 इंटू आई हैट डॉट जे हैट प्लस हमारे पास यहाँ ये वही टर्म को मैं इससे टर्म में तो 2 आ जाएगा हमारे पास जे हैट डॉट आई हैट और प्लस हमारे पास आ जाता है 4 इंटू जे हैट डॉट जे हैट. अच्छा अब ये जो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने मैंने आपको बताया कि हमारे पास i और j जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं. ठीक है और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं यानी कि जो है क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास x और y के तो इस वजह से ये इनके दरमियान जो एंगल होता है ये हमारे पास 90 का होता है. अब अगर हम i और i के दरमियान देखें एंगल तो वो क्या होगा जीरो एंगल होगा क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं. तो पैरेलल वेक्टर्स यानी कि कॉज अगर मैं इसका देखूँ तो कॉज ऑफ हमारे पास कॉज ऑफ जीरो डिग्री जो होता है जीरो वो हमारे पास वन होता है और कॉस ऑफ 90 जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है जीरो के बराबर होता है. तो अगर आई और आई के दरमियान एंगल देखा जाए तो वहाँ पास जीरो एंगल है क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इसलिए हमारे पास यहाँ 10 आ जाएगा और प्लस अगर मैं देखूँ 20 इंटू आई हैट डॉट जे हैट का आंसर देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा और प्लस ये टर्म जो हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगी क्योंकि इसमें भी हमारे पास जे आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है उसका और प्लस 4 और आई जे हैट डॉट जे हैट जो है हमारे पास अगेन वन आंसर दे देगा. तो मेरे पास क्या बचा 14 यानी कि 10 प्लस 4 मेरे पास 14 आ गया. ठीक है ए डॉट बी का मेरे पास आंसर आ गया और ये भी हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो है दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक स्केलर टर्म आती है. ये भी हमने लेक्चर में जो है वो पढ़ा था. अब अगर हम
अब हमने क्या सेकंड चीज हमने क्या निकालनी है कि ए और बी के वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उसकी 5 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 5 25 प्लस 1, मेरे पास कितना होगा अंडर द रूट 26, सही। और सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, और वो कैसे आएगा, एक्स कंपोनेंट का मेरे पास जो कोफिशियंट है उसका स्क्वेयर प्लस वाई वेक्टर के कोफिशियंट का होल स्क्वेयर और अंडर रूट, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 2 2 4 प्लस 4 4 16, और इसको जब मैं ऐड अप करती हूँ तो मेरे पास 20 आता है, सही। अब ये सारी वैल्यूज जो जो हमें रिक्वायर्ड थी कॉस ऑफ थीटा को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स, वो मैंने निकाल ली हैं। अब कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, हमारे पास 14 आ गया, वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया है, अंडर द रूट 26, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया है, अंडर रूट 20। और इन सारे को आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.61394, सही। कैलकुलेटर का यूज करके हमने इसका आंसर ग्रैब कर लिया है। और थीटा जो है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 0.61394, ठीक है। और जब आप इसको कॉस इनवर्स लेंगे इस वैल्यू का तो आपके पास आंसर आ रहा है 52 डिग्री, ठीक है। यानी कि थीटा हमारे पास कितना आ गया, 52 डिग्री। यानी कि हमने ए और बी के दरमियान का एंगल जो है वो कैलकुलेट कर लिया कि अगर मेरे पास ये वेक्टर्स जो कि गिवन वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान कितना एंगल है हमारे पास, 52 डिग्री।